व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग गाइस। अगर आपका भी अकाउंट SBI बैंक में है तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही केवल अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो। और यहां पर गाइस केवल और केवल आपको एक मिस कॉल देना है और मिस कॉल कट करने के बाद गाइस आपको एक मैसेज मिलेगा और उस मैसेज में गाइस आपका अकाउंट का टोटल बैलेंस लिखा हुआ होगा। तो इससे गाइस आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। तो वीडियो में गाइस एंड तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी मिलते रहें। साथ ही गाइस मैं नए नए तरीके से आपको बैंक बैलेंस चेक करने का प्रोसेस बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस SBI बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले तो गाइस यहां पे आपको मैसेज में आना है और यहां पे गाइस एक कॉन्टेक्ट को आपको मैसेज भेजना है जो कि मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। आपको सबसे पहले वहां पर आपको नंबर डायल करना है। नंबर क्या डायल करना है वो ध्यान से देखना और वीडियो को गाइस एंड तक देखना, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। और लाइक और शेयर दबा के करना गाइस, इस वीडियो पर लाइक जरूर आना चाहिए। तो गाइस यहां पे आपको नंबर डायल करना है 9223 4 और इसके बाद गाइस 5 बार 8 डायल करना है। ध्यान से देख लेना, आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा गाइस। उसके बाद आपको यहां पे एंटर कर देना है। अब आपको गाइस मैसेज टाइप करना है। यहां पर ध्यान से देख लेना गाइस, यहां पे गाइस अगर आप कोई भी गलती कर जाते हो तो आपका यहां पे गाइस आपको पता ही है मैसेज भेजने पर 1.5 रुपए का चार्ज लगता है। अगर आपका अनलिमिटेड है गाइस तो आपको एक पैसा भी नहीं लगेगा और अगर आपका टॉक टाइम डला हुआ है तो आपका 1.5 रुपए कट जाएगा। तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है गाइस। यहां पर गाइस आपको टाइप करना है REG। यहां पर गाइस REG ध्यान से सुनना, तीनों के तीनों लेटर कैपिटल में होने चाहिए गाइस। तो उसके बाद आपको स्पेस देना है और यहां पे गाइस आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, पूरा का पूरा अकाउंट नंबर। तो चलिए मैं डाल देता हूं, सिक्योरिटी के लिए गाइस मैं यहां पर ब्लर करने वाला हूं। तो गाइस मैंने अकाउंट नंबर डायल कर दिया है, उसके बाद आपको सेंड कर देना है। तो इसके बाद यहां पे एक बात और ध्यान रखना गाइस, आपको ये मैसेज उसी सिम कार्ड से भेजना है, उसी मोबाइल नंबर से भेजना है जो कि आपके अकाउंट में रजिस्टर है। किसी दूसरे सिम कार्ड से आपको नहीं भेजना है वरना कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो आपको यहां पे थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद गाइस आपको आ जाना है बैंक। अब होगा कि गाइस या तो आपको एक मैसेज मिलेगा, अगर मैसेज नहीं मिलता है गाइस तो ये जो प्रोसेस हमने किया है इससे आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से रजिस्टर हो चुका है और ये कंफर्म हो चुका है। हो सकता है आपको मैसेज मिले, लेकिन मैसेज ना मिले तब भी आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस 5 मिनट तक वेट करना है और हो सके तो 2-3 मिनट तक ही काम हो जाता है। उसके बाद गाइस आपको एक डायलर पैड में आना है अपने मोबाइल में और यहां पर गाइस आपको एक नंबर डायल करना है जिसके बाद आपको कंफर्म है कि आपका मैसेज आएगा। तो यहां पे गाइस आपको डायल करना है 9223 7 और यहां पे गाइस आपको 6 5 बार डायल करना है। तो यहां पर गाइस मैंने डायल कर दिया है, उसके बाद आपको ये अपने उसी सिम कार्ड से ये डायल करना है जो कि यहां पे आपके अकाउंट में रजिस्टर है। थोड़े से टाइम के बाद गाइस ये कॉल ऑटोमेटिक से कट हो जाएगा और आपको एक मैसेज मिलेगा। तो थोड़ा सा चलिए वेट कर लेते हैं और उसके बाद मैसेज को रीड करके मैं आपको दिखाने वाला हूं लाइव ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पे देख सकते हो स्क्रीन पर आ चुका है मैसेज। अब हम इस पर टैप करते हैं तो नीचे आप देख सकते हो गाइस एक मैसेज मिला है हमें। यहां पे गाइस आपको डेट भी दिख रहा होगा गाइस, 25/10/2021 और 7:33। नीचे आपको अवेलेबल बैलेंस, आपको मेरा अकाउंट का लास्ट का 3 डिजिट दिख रहा है, उसके बाद टोटल अमाउंट दिख रहा है गाइस 2,668 रुपए। और इस तरीके से गाइस आप अपने SBI बैंक का बैलेंस घर बैठे केवल एक मिस कॉल के जरिए चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को गाइस लाइक और शेयर दबा के करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। चलिए गाइस मैं मिलता हूं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।